मंच पे आसीन सभी और सामने उपस्थित सभी को मेरा आदाब, मेरी नमस्कार। आज का दिन इतिहास, भारत के इतिहास, विश्व के इतिहास में एक बहुत अफसोस दिवस है। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा, आज के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। उनकी मौत किस प्रकार हुई, ये भी आज के दिन सोच का विषय है। बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए 6 दिसंबर क्यों चुनी गई, ये भी एक सोच का विषय है, इतिहास का विषय है, अनुसंधान का विषय है। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, तो वो क्यों हुई थी और वो किस लिए हुई थी? उनका मेन मकसद यही था कि हम एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम को इस देश में खत्म करके मानेगी और उसी लिहाज में पहले बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने खत्म किया। उसके बाद ये बाबरी मस्जिद भी 6 दिसंबर को ढाई गई, इसलिए ये सबके लिए एक अफसोस का दिवस है। मैं आधे मिनट, मैं सबसे कहूँगा आधे मिनट का मौन धारण करके हम इसका अफसोस मनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। इतिहास से हमको सबक लेना चाहिए। बाबरी मस्जिद को ढाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है, ये मुस्लिम को यहां का नागरिक मानते हैं या नहीं मानते, उनके धर्म को ये इज्जत देते हैं या नहीं देते हैं। भारत के संविधान में सबको इजाजत है कि वो अपने अपने धर्म को माने। ये भी कहा गया है कोई कानून किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर भी ये भगवा ब्रिगेड हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं मुसलमानों को राम राम कहना होगा, नहीं तो पाकिस्तान जाना होगा। संविधान के अंतर्गत ऐसे कहने वालों को कोई सजा नहीं दी गई, ये क्या है? आज के दिन मैं आपको कहता हूं, ये संघ और संविधान के बीच में संघर्ष आ गया है। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं और हम संविधान को बचाना चाहते हैं। संविधान बचाने के लिए एक एक बच्चा हो जाएगा कुर्बान, यही हमारा पैगाम है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये पैगाम हमारा है कि हम संविधान को समाप्त नहीं होने देंगे, समाप्त नहीं होने देंगे। आज हम जो जिंदा हैं, जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब संविधान की वजह से है। देखते हैं कौन जीतता है, संघ जीतेगी या संविधान जीतेगा। संविधान ही जीतेगा कहो, संविधान ही, संविधान ही, संविधान ही। संघ समाप्त होगा, संघ, संघ, संघ। थैंक यू, धन्यवाद। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा,
धरती पे कोई ताकत ऐसी नहीं है जो बाबरी मस्जिद बनाने से हमको रोक पाए। हम ये पूछना चाहते हैं क्या बाबरी मस्जिद को किसी कोर्ट के आदेश से ढाया गया था, किसी शासन प्रशासन के आदेश से ऑर्डर से ढाया गया था? तो फिर ये किसने ढाया? ये ढाया यहाँ के आतंकवादियों ने, भगवा आतंकवादियों ने इसको ढा दिया, इसको ढा दिया। इनको शर्म नहीं आई कि हम कितने मुसलमान के दिल के ऊपर खंजर मार रहे हैं। नहीं आई शर्म और ना इनको आएगी। ये आज के दिन 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाना चाहते हैं। किस चीज का शौर्य दिवस? कि तुमने बाबरी मस्जिद को ढा दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे काम करना है तो इंडिया गेट को भी ढाना पड़ेगा, वहां से पता लगेगा इस देश को आजाद करने में किसकी शहीदी थी, किसकी शहीदी थी। जाके देखो 13,000 जितने भी शहीदी हुए, सबसे ज्यादा शहीदी मुसलमानों की थी, मुसलमानों की थी। और उसके बाद जिसकी शहीदी थी वो जाके SC ST OBC समाज की थी। और ये भगवा आदमी, ये ब्राह्मण आदमियों की संख्या कितनी थी? सिर्फ 500 आदमियों ने शहीदी दी थी इस देश को आजाद करवाने के लिए। ये 500 आदमी कहते हैं कि पाकिस्तान जाओ, बाबरी मस्जिद नहीं रहेगी, राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर क्या है? राम मंदिर क्या है? ये ब्राह्मणों का खाने कमाने का जरिया है। और वहां पे 250 आदमी और बैठ जाएंगे भीख मांगने और धन इकट्ठा करने। अगर इनमें राष्ट्रीयता है तो सब मंदिरों में जितना धन है उसको राष्ट्र संपत्ति घोषित किया जाए। उससे बहुत से मदरसे बन जाएंगे, बहुत से हॉस्पिटल बन जाएंगे और कोई आदमी यहाँ पे गरीबी की रेखा के नीचे नहीं रहेगा। क्यों नहीं करते ये उसको, ये राष्ट्र धन इकट्ठा हो और जितने मंदिर बने हुए हैं, जो इन पे इनकम होती है उस इनकम को राष्ट्र की इनकम माना जाए। ये क्या है? ये मनोवादियों का ब्लैक मनी है जिसको वो एक तरफ से खपाते हैं, दूसरी तरफ से निकालते हैं। ये बहुत बड़ी देश में साजिश है। इनका मंदिर, जितने मंदिर है वो साजिश है। राम मंदिर भी एक साजिश बनने की हरकत कर रहा है। हरकत बन नहीं सकता। एक बात मैं इस मंच से कहता हूं, राम मंदिर 8% आबादी के सम्मान का प्रतीक हो सकता है, 92% आबादी का ये अपमान का प्रतीक है, ये अपमान का प्रतीक है। हम कैसे भूल जाएं? रामचंद्र ने जो दशरथ का पुत्र था उसने हमारे शुद्ध शंभु किसी की हत्या की थी। निर्दोष था वो, कोई दोष नहीं था उसका, फिर भी उसकी हत्या कर दी। ये भाइयों पर्ची आ गई है तो मैं जल्दी जल्दी अपने भाषण को समेटता हूं। मेरा आपसे एक ही बात कहना है, ये STPI जो है ये पार्टी के साथ साथ ये STPI समाज बन चुका है, ये समाज बन चुका है। STPI अब एक समाज है, पार्टी तो है ही है, अब ये समाज है। और इस समाज में हम सब हैं। इस समाज में मुस्लिम हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं,
और तमाम माइनॉरिटी धर्म के आदमी भी इसके इस समाज के हिस्सेदार हैं। इस समाज को कभी टूटने मत देना, इस समाज को कभी टूटने मत देना, ये मैं आज बता रहा हूँ। ये समाज टूट गया, एसडीपीआई समाज टूट गया, तो संविधान के टूटने की भी बारी आ जाएगी। संविधान को बचाने के लिए एसडीपीआई समाज और एसडीपीआई पार्टी दोनों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। क्या आप साथ दोगे? हाथ उठा के कहो, हाथ उठा के कहो कि हम साथ देंगे, हम साथ देंगे। इसी के साथ साथ सभी को नमस्कार और मेरे आदर। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।